मुंबई के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दिया है। तमाम वजहें हैं जिसकी वजह से वो लोग अपना काम छोड़कर एयरपोर्ट के बाहर आ गए हैं। क्या इसकी वजह से इंडिगो एयरलाइंस पर भी प्रभाव पड़ सकता है? अभी तो हम ये नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या दिक्कतें हैं जब जिसकी वजह से इन कर्मचारियों को काम छोड़कर आना पड़ा और ये बाहर आकर के अपनी मांगों को लेकर के जो है सामने आए हैं? भाई साहब, क्या दिक्कतें हुई हैं? अभी दिक्कत बोला तो ये जितने भी वर्कर है, जैसे लोडर है, हम लोग ड्राइवर है, क्लीनर है, ये कुछ 2200 का अंडे 2200 वर्कर लोग का सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और कई दिनों से हैरेसमेंट का प्रकार बहुत बढ़ रहा है, वर्कर लोग को हैरेसमेंट किया जाता है। अभी कुछ 19-20 तारीख को हैरेसमेंट के इसमें हमारा एक दोस्त गवाह बैठे, हम लोग उन्होंने सुसाइड कर दिया। उनको कुछ एक आध दो महीने पहले उनको कुछ पैरलेस का अटैक आया था, ऑन ड्यूटी आया था, नाइट शिफ्ट था उनकी, विजय वागचौरे नाम है, ऑन ड्यूटी उनको पैरलेस का अटैक आने के बाद उनका उपचार विपचार किया, मेडिकल घर से उनका सब कुछ हो गया। आने के बाद उनको पनिशमेंट इधर से उधर डोमेस्टिक से इंटरनेशनल भेजा गया, जबकि उनको डोमेस्टिक से नजदीक गिर रहा है, ऑफिस में बुलाया गया, फिटनेस सर्टिफिकेट, वार्निंग लेटर, ऐसे सब लोगों के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। लेकिन क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, रात दिन जो है काम कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो वो कुछ खाली बस उनको हैरेसमेंट करना है, लड़के लोगों को कैसा, जैसा अभी समझो किसी का छुट्टी पास करने का नहीं रहेगा तो किसी का एक दिन छुट्टी हो गया वो तो भी वार्निंग लेटर इशू करते हो लोग। अभी उनको क्या पता उनको क्या, उनको पीछे क्या राज है, कितने वर्कर लोग ये लोग ये कर रहे हैं। अब इसके ये जो केस हुआ उसके 2 दिन पहले भी हमारे एक ड्राइवर में एक जो है उन्होंने भी फांसी कर लेने का ये किया था, तो उनके वाइफ ने देखा उसी टाइम तुरंत बचा लिया। अभी किसके किसके ऊपर ध्यान रखेगा, ये पनिशमेंट क्यों, हैरेसमेंट क्यों हो रहा है? ये एक बड़ा सवाल है कि जो ये कर्मचारी लगातार जो है इंडिगो के लिए काम करते हैं, लोडर का काम करते हैं, एयरपोर्ट पर ड्राइवर है, कोई कोई वहां पर साफ सफाई करता है, आखिर उन पर क्या दिक्कतें आ रही हैं कि जिसकी वजह से वो लोग इस तरह से सड़कों पर उतरे? मेरे साथ एक व्यक्ति है जिनके पति ने जो है इस मामले में इन सब वजहों की वजह से बताया जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया। मतलब क्या मामला हुआ था जिसकी वजह से जो है ऐसा हुआ और आज आपके साथ जो है सब लोग खड़े हुए हैं? मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता, सिर्फ इतना पता है जनवरी में उनको पैरालिसिस हुआ था, यहाँ से ही ड्राइवर ही यहाँ के ड्राइवर उन्होंने लेके गए थे, फिर उसके बाद एक महीना वो लीव पे थे। अभी पैरालिसिस हुआ है तो कोई इंसान 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। फिटनेस सर्टिफिकेट लेके वो ऑफिस ड्यूटी उन्होंने ज्वाइन किया, वो देखने के बाद ही इन्होंने अंदर लिया रहेगा ना ड्राइवर के लिए, उसके बाद उनका टेस्ट वगैरह भी होता है, वो सब क्लियर करने के बाद ही इन्होंने ड्यूटी पे रखा रहेगा। तो फिर भी हर हफ्ते में उनको बोला जाता था कि नहीं आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करो, नहीं आप अपना फिर फिटनेस सर्टिफिकेट दिखाओ। T1 से T2 में इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शिफ्ट किया, जबकि उन्होंने बोला भी था, जिसकी रिकॉर्डिंग वगैरह भी है, कि मेरे को यहाँ पे ट्रैवलिंग का इशू होता है, ट्रैवलिंग का इशू होता है, गाड़ी चलाने का नहीं। तो फिर भी उनको बोला जाता था कि नहीं फिर आप फिट नहीं हो, इसके लिए आप ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, आप फिर से फिटनेस सर्टिफिकेट निकालो करके। ऐसा आपके सामने कितनी बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है? बहुत बड़ी, मेरा 1.5 साल का बच्चा है सिर्फ, 2 महीना वो जॉब पे नहीं जा रहे थे, आपके पास सब डॉक्यूमेंट्स है, तो फिर भी 2 महीने का सैलरी उन्होंने होल्ड पे रखा था। अब इंसान अगर पैरालिसिस है, आपको सब पता है, सब डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, तो वो तो सैलरी होल्ड पे नहीं रखनी चाहिए ना, 2 महीने की सैलरी होल्ड पे रखे थे, वो प्रेशर तो आदमी मेंटली डिस्टर्ब तो होगा। 2 बसेस है, बस चलाते थे मेरे मिस्टर, 2 बसेस है, तो फिर भी खाना खाते रहेगा तो फिर भी इनको ही बोला जाता था कि नहीं आप अपनी बस लेके जाओ। हाँ, फोन पे अगर कुछ बात करते रहेंगे तो फोटो निकाल के वो ऑफिस में सबमिट करना, फिर ऑफिस में बुलाना बार बार। और मतलब अगर नाइट किया है, विरार में हम रहते हैं, यहाँ से विरार आने के लिए कितना टाइम लगता है, नाइट करने के बाद दोबारा रिटर्न नाइट में आना रहेगा, तो फिर भी नहीं आप पहले ऑफिस में आओ, ऑफिस ओपन होगा 10-11 बजे, तब तक अगर वो यहाँ पे रहेंगे कब घर पे आएंगे, कब रेस्ट करेंगे? कब ये हादसा हुआ? ये 19 मई को, ये 19 तारीख को। क्या नाम था उनका? विजय लक्ष्मण वागचौरे। और आपका नाम क्या है? स्मिता विजय वागचौरे। तो ये देखिए कि एक विक्टिम है जो इस तरह का जो हैरेसमेंट, जो कि आरोप लगाया जा रहा है इंडिगो कर्मचारियों ने लगाया है कि किस तरह से उनके साथ हैरेसमेंट किया। मैं आपको अगर एक तस्वीर दिखाऊं तो यहाँ पर जितने लोग खड़े हैं ये सारे नौजवान हैं, और इनसे जब मेरी बातचीत हुई तो सबका यही कहना है कि ज्यादा इनकी सैलरी भी नहीं है, 12,000, 15,000, 16,000 ज्यादा से ज्यादा सैलरी है, और उसको लेकर के जो है ये लोग जो है परेशान रहते हैं, और उन्हें एक छुट्टी के लिए परेशानी की। और भी आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? बात करनी थी इसमें, सबसे ज्यादा जो हरेसमेंट की है
तीन चार ही लोग हैं, एक तो है अंकुश अंशुल 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 करके है, उसके बाद है सैनिल डी सोजा करके, जिनका वो बार बार नाम लेते थे, इनसे बहुत बातें करते थे, रिक्वेस्ट की थी। विल्सन करके है, जिनको उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की थी कि मेरे को वहां पे शिफ्ट मत करो, और ये ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ, गए महीने की बात रहेगी, मतलब 20-21 अप्रैल तक का। इस मामले में आपने एयरपोर्ट पे पुलिस में शिकायत दर्ज करी है, क्या उन्होंने FIR लिया? नहीं, अभी तक कुछ FIR 5 ही दिन हुए, मैं अभी उनको गुजर के ज्यादा टाइम नहीं हुआ तो मैं 10 दिन आ नहीं सकते। आप लोग पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे कुछ बात हुई अभी? अभी बात हुई है, उन्होंने बोला कि एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, हम लोग करेंगे करके। और एक पुजारी करके है, ये चार नाम वो बार बार ही लेते थे कि इन ये बहुत ज्यादा ही टॉर्चर कर रहे थे। इंडिगो की और भी महिला कर्मचारियां यहां पर देखिए कि मैं उनसे भी बात करूं। मैडम क्या क्या दिक्कतें हो जाती हैं, क्या क्या दिक्कतें आपको लगता है कि क्या दिक्कतें आप लोग फेस कर रहे हैं काम करते हुए? जी बताइए जी मैडम, आप क्या दिक्कतें शॉर्ट में बताइए, क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं? फेस करना मतलब सर टर्मिनल चेंज होता है हम लोग का बार बार, हर मंथली। एक तो लेडीज लोग का प्रॉब्लम रहता है, ऊपर से हम लोग को घर का देख के फिर काम का भी देखते हैं, टर्मिनल चेंज होना, इधर से उधर ट्रैवलिंग नहीं जमता है, फिर बोला जाता है कि टाइम पे कट टू कट टाइम पे आने का, 5-10 मिनट भी जरा भी 1-2 मिनट भी लेट होता है तो फिर हम लोग को पैसेंजर के सामने ही चिल्लम चाली कर देते, मतलब कुछ भी बोलना चालू करते। फिर उसके बाद में जो जैसे कि अभी हम लोग को अभी टर्मिनल 1 के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करे, जिधर हम लोग को जो टर्मिनल जमता है उधर करने के लिए बोलते, तो फिर वो लोग बात भी नहीं सुनते, बोलते हाँ ये करने का है तो करो, नहीं तो रिजाइन दे दो। महिला कर्मचारी हम उनसे बातचीत करना। जी मैडम क्या दिक्कतें हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोग इस तरह से काम छोड़ करके बाहर खड़ा होना पड़ रहा है? एक्चुअली सर ज्यादा करके तो हरेसमेंट किया जाता है, और प्लस हमारे ग्रुप में एक कविता करके है, वो हर चीज में, अभी बस के लिए होता है या किसी और चीज के लिए भी होगा ना, तो भी वो हरेस करते उन लोग हम लोगों को, उस वजह से सब अभी हम लोग भी ऑन ड्यूटी बाकी हुए आए हुए। तो आप देखिए कि सबसे बड़ा जो आरोप है इंडिगो के पदाधिकारियों पे, उनका ये कहना है कि सबसे ज्यादा इन्हें हैरेस किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ठीक से काम नहीं करने दिया जा रहा है, और उसको लेकर के जो है आज इनका यहाँ पर ये विरोध है, ये प्रोटेस्ट है। इसकी वजह से 1-2 लोगों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, और अब इनका यही कहना है कि अगर ये बातें आपकी नहीं मानी जाती हैं तो फिर आगे आप लोग क्या करने वाले हैं, क्योंकि अभी इंडिगो की एयरलाइंस पे कोई असर नहीं हुआ है जैसा कि मैंने अभी बातचीत की है, लेकिन आगे आप लोगों का क्या कदम है? हम लोग ऐसे ही धरना लेके बैठने वाले हैं, जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग ऐसे ही धरना लेके बैठेंगे, क्योंकि इसके कंप्लेंट हम लोगों ने ऑलरेडी दिल्ली के इंडिगो के जो ब्रांचेस है उधर तक हम लोगों ने कंप्लेंट दिया है, मगर कुछ नहीं, हमको उसका रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं मिला है। ये एक बड़ी बात है, इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जा रही हैं तो हम आगे भी अपने प्रोटेस्ट को, धरने को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जितने लोग यहां पर खड़े हैं, ये इंडिगो में कोई ड्राइवर है, कोई लोडर है, कोई सफाई कर्मचारी है, और इनका एक अहम काम होता है एयरपोर्ट पे, अगर इन्होंने काम बंद किया तो आज नहीं तो कल इंडिगो एयरलाइंस को दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं, और जो उड़ाने हैं वो भी रुक सकती हैं। कैमरामैन आसिफ के साथ राजेश त्रिपाठी, ABP News, मुंबई।